अब देखेंगे अभी कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ओके यानी क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता है दैट दिस इज वाटर और समथिंग लाइक दैट, और उसके अंदर एक कॉपर का स्फीयर या ऐसा कुछ भी, ठीक है, इसके इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। कॉपर का टेम्परेचर पहले इतना है, तो वाटर का और ये कॉपर का फाइनल टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद कितना होगा, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। ओके इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कैलोरीमेट्री, इसके साथ हम लोग स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट भी देख लेंगे, तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैलोरीमीटर में ये होता है, कैलोरीमीटर होता है, यानी एक ऐसा डब्बा, डब्बे के अंदर एक कॉपर का कंटेनर होता है लाइक दिस, ठीक है, ये कॉपर का एक कंटेनर और उसके अंदर भरा होता है वाटर, वॉटर इन साइड द कंटेनर। तो पूरे ऑपरेटर्स को सब जगह से, यानी ऊपर है ना, एक ढक्कन होता है जो खुल सकता है, ठीक है, ये जो ढक्कन है उसको हम लोग खोल सकते हैं। वी कैन ओपन दिस लिड फ्रॉम द टॉप साइड, और आजू बाजू पूरा इंसुलेशन दिया होता है। इंसुलेशन का मीनिंग क्या होता है, एक वुड या ऐसा कुछ भी उसका इंसुलेशन होता है। मैंने जो देखा है उसमें वुड था, ठीक है, आजू बाजू सब वुड का पूरा पैकिंग होता है, यानी ऊपर से ये वाला पार्ट जो है, इफ यू ओपन दिस पार्ट, इतना सा पार्ट अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये खुल जाएगा, ठीक है, खोल के इसके अंदर हम लोग पानी वानी जो भी डालना डाल सकते हैं, देन अगेन इसको बंद कर देना। इसके अंदर डिप किया जाता है एक थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर इसके अंदर डाल दिया जाता है लाइक दिस, मान लो ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर को इसके अंदर रख दिया, और एक स्टीरर, स्टीरर का मीनिंग क्या होता है, वो पानी एक जगह पे ही सब पूरा टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेट ना हो, इसलिए एक छोटा सा स्टीरर रखा होता है, स्टीरर यानी चम्मच जैसा कुछ भी, इससे हम लोग ये पूरे लिक्विड को थोड़ा हिला सके। ओके तो दिस इज सपोज अ स्टीरर, स्टीरर का ऐसा कुछ काम नहीं है, बस टेम्परेचर होमोजीनियस रहे, सब जगह पे सेम रहे, वही उसका काम होता है। तो स्टीरर जो है जनरली लाइक दिस, ओके, और ऊपर से ऐसा कुछ होता है सो दैट इसको हम लोग घुमाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे घुमाते रहेंगे तो अंदर का टेम्परेचर जो है सब जगह से यूनिफॉर्म रहेगा। अब करते क्या है, इसमें ढक्कन को खोल देते, ठीक है, जो मैंने बताया था ना ऊपर वाला ढक्कन, ये जो है ये पूरे ढक्कन को खोल दिया जाता है। ढक्कन को खोल के इसके अंदर जो भी हमको कॉपर का बॉल या ऐसा कुछ भी रखना हो रख दो, और फिर ढक्कन को बंद कर दो, ये बंद कर दिया, अंदर क्या रखा है हम लोगों ने, कॉपर का बॉल या ऐसा कुछ भी, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ बॉल जैसा रख देते जो पहले से प्री हीटेड है, तो बंद नहीं रहा, ओके, पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ है। तो होगा क्या, ये जो बॉल दिख रहा है बॉल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, ये जो बॉल दिख रहा है बॉल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ओके, और वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये जो दिख रहा है ना कॉपर का कंटेनर, याद है मैंने बताया था ये जो ऑरेंज कलर का है इज अ कॉपर कंटेनर, तो कॉपर के कंटेनर का भी मास धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी मास नहीं,
उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इन दिस केस वी कैन से दैट लॉजिक यही लगाना है, देखना इसके ये जो सम ऐसे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें यही एक लॉजिक लगाना है दैट जितना भी टेम्परेचर हीट लॉस्ट बाय हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसे केप्ट इनसाइड द कैलोरीमीटर, ठीक है, जो अंदर रखा हुआ है उस वो जो हीट लॉस करता है इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर हीट गेन करेगा प्लस हीट गेन्ड बाय कॉपर कंटेनर, कॉपर कंटेनर यानी ये ऑरेंज वाला है ना जिसके अंदर हम लोगों ने फ्लूइड भरा हुआ है वो वाला कंटेनर, ठीक है। तो ये मेन लॉजिक है इसके पीछे, जितना हीट ये लूज करेगा उतना ही हीट दूसरी तरफ से गेन होगा। अब ये हीट लूज कितनी होती है और गेन कितनी होती है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है दैट हीट लूज होती है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ऐसा कभी सुना है, ऑब्जेक्ट को हीट दे देते हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, या फिर हीट लूज करे तो भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लाइक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इवन दो इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ फिर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा कब होता है, यस कोल्ड वाटर, चलो कोल्ड वाटर को अगर मैं गर्म कर दूंगा तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, ऐसा तब इंक्रीज होता है ऐसा व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, याद रखना जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो तो ऐसा देखने को मिलता है, ओके। स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने का मीनिंग क्या है, इफ देयर इज अ आइस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब उसको गर्म करेंगे ना तो आइस से पहले वाटर बनेगा, तो आइस से वाटर बनने के लिए यानी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट, ओके। और जब नॉर्मल वाटर को अब हम लोग अगर गर्म कर देते हैं, ओके, नॉर्मल वाटर को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एट दैट टाइम दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो याद रखना दो टाइप की हीट, टू टाइप ऑफ हीट, एक होती है लेटेंट हीट में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा यानी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से लेके वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, तो आइस को हीट देने से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्यू इज इक्वल टू एल एफ एम, फिर एल एफ को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखना, यानी अगर बर्फ को कुछ एनर्जी दे दे तो कितना मास मेल्ट होगा वो इस इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है, इस इक्वेशन से पता चलेगा कि कितना मास मेल्ट होगा, m जितना मास मेल्ट होता है m इज इक्वल टू क्यू बाय एल एफ, ऐसा करने से वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ आइस विच विल मेल्ट व्हेन वी आर गिविंग सम हीट एनर्जी, ओके। एक तो ये होता है और दूसरा स्टेट ऑफ मैटर में एक होता है आइस से वाटर और दूसरा भी होता है इसके अंदर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस टू वाटर वेपर, वेपर हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तब जो हीट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं एल वी एम यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट
वेपराइजेशन, वीएपी लिख रहा हूँ, समझ लेना, इट इज वेपराइजेशन। तो स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होता है उसके अंदर दो होते हैं, आइस से वाटर और वाटर से वाटर वेपर, दोनों में फॉर्मूला ये लगेगी। इसमें टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, याद रख, रिलेटेड हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट, ऑब्जेक्ट को अगर स्पेसिफिक हीट दे देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अब ये वाला एमसीक्यू देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कॉपर बॉल ऑफ मास, कितना मास है, 100 ग्राम, एम इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर है, मास ऑफ कॉपर बॉल सीबी लिख रहा हूं, कितना है, इट इज 100 ग्राम, सीबी यानी कॉपर बॉल, कुछ भी बोल सकते हो उसे। उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर बॉल इज टी, जो हमको नहीं पता। इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर लिख दिया गलती से, कैलोरीमीटर होगा, कैलोरीमीटर जिसका मास है 100 ग्राम, यानी मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 100 ग्राम। ये जो कैलोरीमीटर का जो मास होता है ना, वो उसका मीनिंग ये होता है, जो कॉपर वाला पार्ट अभी मैंने बताया था वो वाले पार्ट का मास है। ओके, तो कैलोरीमीटर में दो चीजें होती है, कॉपर का कंटेनर होता है और दूसरा वाटर होता है। तो उसमें से कॉपर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम और वाटर जो भरा हुआ है उसका मास है 170 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर हमको लेना है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों का टेम्परेचर, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कॉपर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो कैलोरीमीटर के अंदर है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड बी, थोड़ी देर के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर वो मिल रहा है हमको 75 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। तो इस डेटा से फाइंड करना है टेम्परेचर, ठीक है, ये जो कॉपर बॉल जिसे हम लोगों ने वो कंटेनर के अंदर डाल दिया उसका टेम्परेचर कितना होगा इनिशियली, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, देखो ये कॉपर का कैलोरीमीटर, ओके, ये पानी भरा, उसके अंदर हम लोगों ने कॉपर का एक वो रख दिया, एज ए रिजल्ट पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कॉपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाले केस में हम लोग ये बोल सकते हैं, जो लॉजिक मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक जन हीट लूज करता है, कौन लूज करेगा, बॉल, जैसे हीट लॉस्ट बाय, हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल कौन कौन हीट गेन कर रहे हैं, तो हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर, और दूसरा किसने गेन किया, वो जो कॉपर का कंटेनर था वो, हीट गेन्ड बाय कॉपर कंटेनर, कॉपर का कैलोरीमीटर, कॉपर ऑफ कैलोरीमीटर। ओके, चलो कॉपर का बॉल कितना हीट लूज करेगा, तो Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है ऐसा दिख रहा है कहीं पे भी, सी द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ, नो सर, मतलब लेटेंट हीट तो नहीं आएगा, लेटेंट हीट नहीं आएगा, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मास ऑफ कॉपर बॉल, सी ऑफ कॉपर बॉल, सी ऑफ कॉपर बॉल में कॉपर का ही सी होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर बॉल is equal to mass of water, C of water, change in temperature of water plus mass of copper, C of copper, change in temperature of copper. चलो mass of copper ball कितना है दिया हुआ, इट इज 100 ग्राम, 100 ग्राम को मैं ग्राम में ही रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड, तो कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज 100, कॉपर का C यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर,
ये हमको दिया हुआ है इट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख देता हूँ। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, तो देखो कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर था टी, पानी के अंदर रखने के बाद हो गया 75, तो 75 माइनस टी लिखेंगे या टी माइनस 75 लिखेंगे, चेंज लिखना है हमको, बड़े में से छोटा माइनस 75 माइनस टी, नहीं टी माइनस 75, बड़े में से छोटा माइनस करना है। देखो फिर से, पहले टेम्परेचर टी था, उसको पानी के अंदर, पानी जिसका टेम्परेचर हाँ सर उसने तो लूज किया है ना, हाँ हाँ तो पहले टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, हाँ अभी फाइनल टेम्परेचर है 75, सबका फाइनल टेम्परेचर तो 75 है। ओके इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 170 ग्राम लिखेंगे, 170। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ बट आपको याद रहना चाहिए, इट इज 1। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, देखो पहले पानी का टेम्परेचर था 30, बाद में हो गया 75, इंक्रीज 45, प्लस मास ऑफ कॉपर इन कैलोरीमीटर इट इज 100 ग्राम, ये सी आएगा इधर, यस स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कॉपर इज 0.1 और उसका चेंज इन टेम्परेचर भी 45 ही है, तो वी कैन राइट देयरफॉर 10 टी माइनस 7500 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा करो तो 170 इंटू 45, या फिर ऐसा कर सकते हो 45 को कॉमन निकालो इंटू कर दो 170 प्लस 10 180, ये जो भी आ रहा है प्लस 7500 करना है और डिवाइडेड बाय 10 करना है, इधर लिख रहा हूं ऊपर जगह नहीं इसलिए, लाइक 10 टी will be equal to 45 into 180 plus 7500, therefore T will be 45 into 180 कितना होता है, करके देख लेना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, final answer ये होगा divided by पूरे को 10 के साथ divide कर देते हैं, you get 45 into 18 प्लस 750, ओके ये सारी वैल्यूज रख देना, यू विल गेट द आंसर, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इतना सारा नहीं आएगा, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 45 टू 18 तो बहुत ज्यादा होता है सर, सी ऑप्शन 885 नहीं, बट ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक है कहीं पे, मास ऑफ कॉपर बोल 100, सी इज 0.1, डेटा टी इतना है, मास ऑफ वाटर 170, सी ऑफ वाटर टेम्परेचर ऑफ वाटर 45 सही है। ओके यहाँ पे डबल जीरो नहीं आएगा, सिंगल जीरो होगा नीचे, 110 ही होता है, हाँ ये 7500 लिखा हुआ है ना इधर, यहाँ पे मिस्टेक है, ओके ये दिख रहा है नीचे जीरो जो मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था वो नहीं आएगा, सिर्फ 750 ये होगा, तो इधर अगर 750 है तो ये एक जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक जीरो नहीं होगा, तो 45 इंटू 18 करो प्लस 75 करो, कितना आ रहा है बताओ, ठीक है।